कोर्ट भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फाइट यहाँ पे निकाला जा सके। देखते हैं कि क्या वो फाइट निकालना आसान रहेगा या फिर पंकज ये ग्रेनेड एक अच्छा कनेक्शन ढूंढेगा। टोटल दो फिनिशर निकाले जा चुके हैं। ये जो हाइट क्रिएट किया गया है पंक के पास, ये जो एंगल मिला है बहुत लाजवाब रहेगा। फियर्स दूसरी तरफ यहाँ पे डाउन हो जाएगी, ये एक बुरी खबर रहने वाली है। जरूरत है वहां पे फियर्स की, यार उसका साथ छूटेगा तो फिर जाके मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो। पीछे से टीम गॉडलाइक भी है जो की तंग करेंगे। 647 के पे चिकन है, 647 के पे चिकन है टाइगर के अगेंस्ट। मैं कह रहा हूँ फंस सकते हैं, बस इनको लेफ्ट डिपेंड करना है। वो हाइट है लेकिन 10 किल देगा, वो खटेगा तो शायद दुर्घटना। 647 के साथ हुए स्थान पे छह मात्र टीम इस मुकाबले में बचे हुए 20 प्लेयर के साथ। क्लच गॉड वहां पे पंक को डाउन करेंगे, खत्म भी कर देंगे। गॉड लाइक अ चिकन का वास्ता दे रहा हूं। इसको गवाते चले जा रहे हैं। अब केवल दो खिलाड़ियों के कंधों पे काफी भार है, इनको लेफ्ट डिफेंड करना है। एक असॉल्ट है जो कि सन से और शॉट लिया जा रहा है। टीम एंटिटी वर्सेस गुजरात टाइगर्स, देखिए कितने सारे प्लेयर्स हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पोजीशन में। ओपन क्यों जा रहा है जल्दी टीडब्ल्यूओबी के जो नॉक्स है वो निकालने की, बट उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इधर दूसरे जगह से भी इनके ऊपर एंगल बन रहा है। तो सब मिला के अगर देखा जाए टीम गॉडलाइक जोन के अंदर तो है लेकिन चारों तरफ से घेरा जा चुका है उनको। ट्रायल्स की तरफ से टर्बो को नॉकआउट किया जाएगा, एडमिनो इधर टर्बो को फिनिश कर देंगे। ट्रायल्स भी इधर नॉक हो चुके हैं तो चारों तरफ से एक दूसरे के ऊपर फाइट और कियोस मच चुका है इस पूरे सिचुएशन में। कौन आगे जाएगा, कौन बचेगा, वो डिपेंड करेगा कौन अपने दिमाग को शांत रख पाते हैं। जोनाथन को नॉक किया गया, अजय की तरफ से फिनिश ऑफ भी कर दिया जा चुका है। टीम गॉडलाइक के लिए मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है लेकिन वो कोशिश करेंगे कि आखिरी मोमेंट तक फाइट दे और उसी के साथ फाइट को जीते। चेली के सामने टीम टीडब्ल्यू भी आगे आते हुए, विजन क्लियर है, क्या वो निकाल पाएंगे। ग्रेनेड इधर फेंका गया था, नॉक निकला एडमिनो की तरफ से। टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम टीडब्ल्यू भी, दोनों के दोनों टीम्स इधर बहुत ही ज्यादा एलिमिनेशन से थोड़े से ही दूर क्योंकि 2v2 का फाइट, एक ग्रेनेड और टीम गॉडलाइक को मिल चुके हैं 4 फिनिशिंग पॉइंट। नुकसान बहुत हुआ कुल मिला के इस फाइट में। अगर आप देखें तो ट्रायल जोनाथन दोनों ही बाहर हो चुके हैं। दूसरी तरफ रेवेनेंट की बात करें तो एक्वानॉक्स रहेंगे इकलौते प्लेयर जो कि सेंस से कुछ आएंगे, जल्द से जल्द रिवाइव दे दे। ये फाइट अब हो चुकी है 2v2 की, एक तरफ रेवेनेंट दूसरी तरफ रहने वाले गॉडलाइक। दोनों ही तरफ अगर आप नजर डालें तो एक आइजल एक असॉल्टर और उधर भी एक आइजर एक असॉल्टर। ये मुकाबला आगे जाना पड़ेगा और ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जहली की बात करें तो हाथी के जिग-जैग करके आगे बढ़ रहे हैं। पता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा, एक एंगल बनाना पड़ेगा। एंगल बन चुका है, स्प्रे किया जाएगा एक्वानॉक्स को, वहां पे डैमेज देने की कोशिश। सेंसे की बात करें ओपन में आगे स्प्रे किया गया दोनों ही तरफ से लेकिन सेंसे को सबसे पहले वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब हो गए। लेकिन एक असॉल्टर की बात करें तो दूसरे असॉल्टर को डाउन किए, एक आईजीएल की बात करें तो दूसरे आईजीएल को डाउन किए। अब ये एक फाइट आ चुकी है एक असॉल्टर एक आईजीएल के बीच में, 1v1 की ये बैटल है। कोई भी टीम यहां से चिकन डिनर लेके जा सकती है और डिसाइड होगा वो कुछ ही सेकंड्स में क्योंकि रिकवरी की बात करें दोनों ही टीमें अपने अपने एचपी को हल्के फुल्के जो रिकवरी की जरूरत थी वो रिकवरी कर ली गई। एक्वानॉक्स की बात करें एग्जैक्ट पोजीशन पता है लेकिन ये वक्त ले रहे कि पहले आप आइए हम आपके पास आएंगे नहीं और ये सवाल क्वेश्चन। लेकिन कुछ टाइम के अंदर ही ये चीज हम लोगों को पता चलता हुआ देखने के लिए मिलेगा। दोनों को ही पता है कितना इंपॉर्टेंस है इस फाइट की। आगे बढ़ेंगे शॉट और टीम गॉडलाइक हुए इधर से एलिमिनेट और बहुत ही शानदार ये फाइट देखने के लिए मिला। टीम रेवेनेंट की अगर बात करें इतने देर के बाद आपका प्रेडिक्शन, मेरा प्रेडिक्शन दोनों फाइनल फाइट में और आप जीत। देखिए मुझे जीतने की आदत है, अगर आप मेरी प्रेडिक्शन देखे तो योगदान था इधर। जी हाँ काफी ज्यादा योगदान था उनका और उसके कारण अब देखते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे सिनेरियो हो सकता है। चली की बात की जाए तो ग्रेनेड यहाँ पे पिन आउट किया गया, कनेक्शन क्या ढूंढ पाएंगे वो एक सवाल। वो तो काफी कमाल का है, स्लैश डैमेज नहीं वहाँ पे कनेक्शन मिलेगा। जोनाथन का वो ग्रेनेड था जो कि वहाँ पे डाउन करेंगे एक समय में। ये दो टीम ये दो नाम को बहुत ज्यादा एक दूसरे का अगेंस्ट हम बार बार देखते थे लेकिन अभी आप देखें तो काफी ऑन पॉइंट ये सिनेरियो चलता हुआ। टीम गॉडलाइक इस फाइट में पूरा पूरा कंट्रोल हमें दिखा रहे हैं और देखते हैं ये जो कंट्रोल है किसके पास आखिर तक जाता है। 3 टोटल फिनिश यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। वक्त केवल अगर बात करें तो बस उसी की कमी रहने वाली क्योंकि अगला स्टेज श्रेकिंग है और अगर आप इस फाइट में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। जहां पे अगर आप देखें प्रॉब्लम हुआ भी जैसी रोटेशन की बारी आई चौरथ को फिलहाल वहां पे डाउन किया जा चुका है। नियो को कंफर्म किया जाएगा एडमिनो की तरफ से बट कुल मिला के नुकसान दोनों ही खेमों में बहुत ज्यादा। और इसी बीच एक और ग्रेनेड मार्कस गेमिंग की तरफ से एक्वानॉक्स को टेक डाउन करने में कामयाब। इकलौता प्लेयर फियर्स ट्राई तो जरूर कर रहे हैं, कोशिश जरूर कर रहे हैं बट मैं समाप्ति की घोषणा जरूर करना चाहूंगा। टीम गॉडलाइक एक थर्ड पार्टी का अंजाम दिया गया है टीम विंड गॉड के द्वारा और अब देखा जाए तो विंड गॉड अप्रोच करने की टीम मार दे रहे हैं।